किचन एकदम मेसी है। मैं खुद मेसी करी हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खाना बनाना है और मैं उसी तैयारी में हूँ। मिठाई बनाना है, खाना पक रहा है 2-3 टाइप का। अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज आने वाले हैं मम्मी पापा, तो शक्ल पर मत जाइए क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा ठीक करने में। घर ठीक करूँगी, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह भी, थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना है। अभी किचन विचन साफ करना है, खाना बना के रखना है, क्योंकि जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं चाहती हूँ सारा घर एकदम क्लीन रहे और मैं उन लोगों को टाइम दे सकूँ। तो चलो मैं फटाफट से सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ। सब माल पत्र पे गए थे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी भी ये सारे कपड़े हैं ये सब फोल्ड करना है। मम्मी पापा बस आने ही वाले होंगे और वो लेके आ रहे हैं, और मम्मी पापा का घर मैंने कैसे सजाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने कैसे सजाया मैंने मम्मी पापा का घर। वैसे कुछ नहीं सजाया, सिंपल सा ही है, और मम्मी पापा आएंगे तो उनका सामान वो शेल्फ में रख सकते हैं, अब जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं, इसलिए सब कुछ खाली खाली है। वार्डरोब भी खाली है, वो लोग आके ही भर देंगे। तो मैं अभी अभी फोल्ड कर लेती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। गए हैं मम्मी पापा, देखा आपने। अभी उनको मैं डोर खोलती हूँ, आना का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं डोर खोल के रखती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ, बाद में मिलती हूँ, बाद में मिलती हूँ बोली जा रही हूँ। तो ये कपड़ा अभी तक फोल्ड नहीं हुआ, चलो मैं डोर खोल के आती हूँ। उनके जीने का सहारा था जो उन्हें अपनेपन का एहसास एवं खुशी दिलाती थी। आना की एग्ज़ाम चल रही है और कल इसकी हिंदी एग्ज़ाम है, तो वही बैठ के वो रेडी कर रही है। लिटरेचर बहुत टाइम लगता है, एवरीडे एग्ज़ाम है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। मॉर्निंग का फ्लाइट था मम्मी पापा का, तो मम्मी पापा अभी ले रहे हैं रेस्ट
और मैं इधर आना को पढ़ा रही हूँ और वो थोड़े से मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। एवरी डे एग्ज़ाम है और इतना बड़ा बड़ा पोर्शन रहता है कि उसको कवर करने में भी टाइम लग जाती है और उसके बाद रिवीजन भी होता है। तो बच्चों का भी हालत ना इस टाइम पे ऐसा ही हो रखा है, सारे बच्चे घर बैठ बैठ के, एक तो पढ़ाई घर में करो, पढ़ाई का भी पूरा इधर उधर हो। कहाँ स्कूल जाते थे बच्चे, आराम से पढ़ाई करते थे टीचर के साथ, सामने बैठते थे, और अभी ऑनलाइन में जैसा हो रहा है वैसा ही। पता नहीं ये कब तक चलेगा, इस साल का तो कोई अता पता नहीं है खोलने का। और ये मैं बैठी हूँ आना के रूम में, और ये आनू लेटी लेटी क्या कर रही है, फ्रेंड के साथ थोड़ी बातें। ठीक है, 5 मिनट है तेरे पास, तू बात कर ले। घर बनाने के बाद अगर माँ बाबा नहीं देखेंगे तो कैसा लगता है, तो मम्मी पापा के देखने के बाद लग रहा है अच्छा है, पूरा हो गया है ऐसा लग रहा है। मम्मी पापा को बहुत पसंद आया है घर, सब कुछ घुमा घुमा के उन्हें दिखाने में ना बहुत अच्छा लगा। अभी मम्मी पापा थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, मॉर्निंग का फ्लाइट रहता है तो थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाते हैं ना, तो इसलिए इस बालकनी में बैठ के ना उनको का आना जाना देखना बहुत अच्छा लगता है। और कैसा लगा मेरा टी टेबल आप ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ढूंढा हमने, 100 से भी ज़्यादा टी टेबल हमने देख लिया था, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा गोल ओवल बहुत सारे देखे, ग्लास का देखे, वुडन का देखा, फिर उसके बाद मार्बल का भी देखा। बहुत कुछ देखने के बाद हमें ये वाला सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि हमारे घर के इंटीरियर के साथ ये अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टी टेबल कैसा लगा, ठीक है। और मम्मी पापा बहुत सामान लेके आए हैं, मैं आप देख रहे थे ना, पापा उधर देख रहे थे कि कौन सा सामान कम क्यों लग रहा है। मैंने आधा तो फ्रिज में आधा स्टोरेज में रख दिया, बहुत सारे सामान लेके, जो जो सामान इधर मिलता नहीं है, हम बंगाली में पोस्तो बोलते हैं, तो पोस्तो लेके आए हैं, थोड़ा मस्टर्ड सीड लेके आए हैं, और भी बहुत सारे संदेश और मिठाई लेके आए हैं मम्मी पापा। ताल आपको पता है, ताल ताल ऐसे गोल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो वो लेके आए हैं, उसका पकौड़ा बनता है, जब मम्मी पकौड़ा बनाएगी तब आपको दिखाऊंगी। और फिश लेके आए हैं इल्शा, जो कोलकाता का फेमस है आपको पता है, तो वो लेके आए हैं, अभी वो थोड़ा सा रात को बनाऊंगी। और बहुत सारे सामान, छोटे मोटे बहुत सारे सामान होता ही है ना, मम्मी पापा आ रहे हैं इतनी दिनों के बाद आ रहे हैं, तो जो जो जिसको जिसको जो जो पसंद है वो लेके आए हैं। और मेरी मम्मी पापा भी मिलने के लिए आए थे मम्मी पापा से, तो वो भी कुछ सामान दे दिए हैं पापा ने। आपको दिखाया था ना एक अगरबत्ती का पैकेट, जो पापा मुझे हमेशा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो लेके आए थे। तो ठीक है, आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहना, हैप्पी रहना और अपने आप को सेफ रखना, ठीक है। और जो बात मैं बताना चाहती हूँ, फ्लाइट में एक्चुअली कोलकाता टू बेंगलोर आने के टाइम पे इतना कुछ देखा नहीं गया था, बट हाँ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के बाद ही मम्मी पापा आए हैं, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही वो लोग प्लेन में चढ़े थे, और प्लेन में भी काफ़ी अच्छा सा सब कुछ नीट लगा उनको, वही बोल रहे हैं। और आने के बाद सारा सामान बैग से निकालने के बाद, बैग सब बाहर ही रखा हुआ है, अंदर नहीं लाए, सामान सब अंदर लेके आ गए हैं सैनिटाइज करके। थोड़ा सा तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बाकी तो ठीक है, देखा जाएगा। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहना, हैप्पी रहना और अपने आप को सेफ रखना। चलो